नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना का जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता थीम पर आधारित जारी विशेष शिविर की गोद ग्राम उटिकाटा में सोमवार को समापन हो गया। शिविर के समापन अवसर पर स्वयं सेवकों, सेविकाओं, देशभक्ति एवं महिला सशक्तिकरण पर सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी, जिसे सभी दर्शकों की ओर से खूब सराहा गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री विनोद तिवारी, नेहरू युवा केंद्र जिला संगठन श्री के उर्मलिया स्वयं सेवकों को शिविर की बधाई देते हुए शिविर में किए गए कार्यो को निरंतर जारी रखते हुए समाज कल्याण के साथ देश निर्माण की बात की, जबकि श्री ने स्वयं सेवकों को शिविर में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने व्यक्तित्व निर्माण की बात कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ग्राम सरपंच राजू भानके थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तर्कशील विचार समिति के सचिव PKS गुर्वे ने कराते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना है और इस शिविर में यह उद्देश्य पूर्ण होता हुआ प्रतीत हो रहा है। सोसर से राकेश ठाकरे की रिपोर्ट। संतों ने जन्म लिया, लेकिन इस ग्राम में उनकी शिक्षा हुई, उपवास बुलाया गया, उनका तिरस्कार हुआ, उनके ऊपर दमन नीति लागू हुई। जब एक चारों का चारों गति वो सहन नहीं कर पाए, उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि इस ग्राम का अन्न पानी अब हमारे लिए समाप्त हो चुका है, अब हमें रामाकोना जाना होगा। और जब दोनों संत श्री राम महाराज, संत श्री माताजी महाराज रामाकोना गए, तो उन्होंने रामाकोना में संपूर्ण भारतवर्ष में मात्र दो जगह भरने वाले इतना सृष्टि मेला, एक पहला पैठन, दूसरा रामाकोना, तो रामाकोना में इतना सृष्टि मेला की शुरुआत की। और जिस जगह इसकी शुरुआत हुई, जिस नदी में माधव जी गोपाल काले की शुरुआत, हरिभक्त परायण बाजीराव जी भांजे, विठोबा जी भांजे हरिभक्त परायण, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।